ये मैंने आपके सामने वो नाम लिख दिए जिनके बाद प्रेपोजिशन फॉर लगेगी। नाउन टेक द प्रेपोजिशन फॉर, इन सभी के बाद प्रेपोजिशन लगानी आ जाए तो फॉर लगाएंगे चार ऑप्शन में से। तो ये नाउन इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, SSC एग्जाम हो, ND हो, CDS हो या टीचिंग का कोई भी हो, ठीक है। तो मैं इनको एक एक वर्ड की आपको हिंदी बताता हूँ, आपको याद हो जाएगा कि फोर क्यों आता है। अफेक्शन होता है, अफेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति प्यार, अफेक्शन। तो अफेक्शन फोर हो गया ना, उस चीज़ के लिए प्यार, ठीक है। एम्बिशन है, एम्बिशन क्या होती है, एम्बिशन होती है जिज्ञासा, अभिलाषा। तो किसी चीज़ के लिए अभिलाषा, अभिलाषा तो एम्बिशन हो गया, ठीक है। आगे क्या है, एंग्जायटी। एंग्जायटी होती है वरीनेस, चिंता होती है एंग्जायटी। तो एंग्जायटी किसी चीज के लिए चिंता होगी ना, तो एंग्जायटी फॉर। अपोलॉजी फॉर, अपोलॉजी किसी चीज के लिए माफी, अपोलॉजी होता है, अपोलॉजी। एपेटाइट भूख, किसी चीज के लिए भूख, फॉर एपेटाइट, फॉर। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, किसी चीज, किसी कार्य को करने के अंदर, किसी कार्य को करने के लिए आपके अंदर टैलेंट कितना है, तो उस चीज के लिए टैलेंट एप्टीट्यूड फोर होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना आपका, एप्टीट्यूड फॉर द पोस्ट, वो एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट, तो फोर आ गया एप्टीट्यूड फोर। प्रीडायलेक्शन होता है, प्रीडायलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज के लिए दीवानगी, चाहत, वो प्रीडायलेक्शन, प्रीडायलेक्शन फोर हो गया किसी चीज के लिए, है ना। आगे ब्लेम है, ब्लेम फोर होता है भाई, किसी चीज के लिए ब्लेम डालना होता है ना, किसी चीज के लिए ब्लेम होता है, ब्लेम। जैसे किसी को कह दे भाई ब्लेम फोर, ठीक है, यू हैव ब्लेम फोर, तो ब्लेम के बाद फोर लगेगा। ब्लेम दोषारोपण होता है, दोषारोपण, ब्लेम मीनी दोष लगाना भी होता है और ब्लेम मीनी दोष भी होता है, दोषारोपण। कैंडिडेट फोर होता है, किसी चीज के लिए, किसी कैंडिडेट, उम्मीदवार, उम्मीदवार किसके लिए उम्मीदवार, तो के लिए फोर आ गया। कैपेसिटी फोर, कैपेसिटी क्षमता, किस चीज के लिए क्षमता, कैपेसिटी फोर आ गया। कंपैशन, कंपैशन होता है सहानुभूति, किसी चीज के लिए सहानुभूति, ठीक है, कंपैशन फोर होता है। कंपनसेशन फोर, किसी चीज की हम क्षतिपूर्ति करेंगे, तो किसी चीज के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे ना, किसी चीज के बदले में किसी कोई चीज देंगे, तो कंपनसेशन फोर होता है। कंटेम्प्ट फोर होता है, हेट होता है, हेट किसी चीज के लिए हेट होता है, किसी चीज की हेट नहीं, तो कंटेम्प्ट हेट हो गया, तो कंटेंट फोर होता है। रेलिश, रेलिश में नहीं होता है मजे करना, एंजॉय करना, तो रेलिश फोर होता है। क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब भी होता है एम्बिशन, किसी चीज के लिए तीव्र इच्छा होती है, क्रेविंग, क्रेव फोर, क्रेविंग फोर, तो क्रेव फोर भी होता है और क्रेविंग फोर दोनों ठीक है। क्रेव मीनी, क्रेव वर्ब हो गया, क्रेविंग नाउन हो गया। डिजायर फोर होता है, ये क्रेविंग और डिजायर की बात है। एस्टीम फोर होता है, एस्टीम फोर, ये एस्टीम फोर होता है, किसी चीज को ज्यादा हम तवज्जो देते हैं, उसको सम्मान देते हैं, एस्टीम फोर होता है। फिटनेस फोर होता है, फिटनेस फोर किस चीज़ के लिए फिटनेस है, तो फिटनेस फोर। फॉन्डनेस फोर होता है, किसी चीज़ के लिए दीवानगी, फॉन्डनेस फोर। गारंटी होता है, किस चीज़ के लिए गारंटी, गारंटी फोर होता है, गारंटी ऑफ नहीं होता, ठीक है। आगे है रिमोर्स, रिमोर्स में नहीं होता है पछतावा, किस चीज के लिए पछतावा, किसी चीज का पछतावा ना, किसी चीज के लिए पछतावा, रिमोर्स होता है, रिमोर्सफुल होता है, रिमोर्सफुल, रिमोर्स, रिमोर्स फोर होता है, रिमोर्स ऑफ नहीं। श्योरिटी फोर, श्योरिटी फोर किसी चीज के लिए निश्चितता, श्योरिटी फोर। मोटिव फोर होता है, मोटिव कारण होता है, किस चीज के लिए कारण, मोटिव फोर। लैकिंग फोर होता है, डिजायर और लैकिंग एक ही बात है, लैक तो फोर लगेगा। मैच, मैच फोर किसी चीज का मैच करते हैं, तो किस चीज के लिए मैच होता है। अगला नीड फोर, किसी चीज के लिए नीड, जरूरत, तो नीड फोर हो गया। अगला है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी फोर होता है, अपॉर्चुनिटी फोर किसी, किस चीज के लिए अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मौका। पैशन फोर होता है, पैशन, क्रेविंग वाला, डिजायर, लाइकिंग, पैशन, ये सारे सिनोनिम है, इनके सबके साथ बाद फोर लगेगा। और पीटी फोर होता है, पीटी कंपैशन आया था, कंपैशन, कंपैशन आया था, कंपैशन और पीटी, दयालुता, ठीक है, सहानुभूति, तो ये पीटी फोर होता है। एंड रेपुटेशन फोर, किसी चीज के लिए आपकी रेपुटेशन, आपका सम्मान, आपकी ख्याति, तो वो रेपुटेशन फोर होता है। तो इनमें से आपका ज्यादातर एग्जाम में आ जाता है, तो इन सभी के बाद फोर लगेगा। अगली वीडियो में बताएंगे ऑफ किसके साथ लगेगा, टू किसके साथ लगेगा, इन किसके साथ लगेगा, ओके। तो अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप स्प्रेड कर दें, नॉलेज को स्प्रेड करेंगे तो ज्यादा फैलेगी, ओके। जोरदार इंग्लिश चैनल, नाम पंकज शर्मा है, हरियाणा से हूँ, थैंक यू।